आखिर फिर इस रिले का भी हम आज सच्चाई पूरी जान लेते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा सच्चाई में क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं दोस्तों, इस रिले को आज हम फोड़ के देखेंगे, मतलब कि इसको पूरा का पूरा हम तोड़ फोड़ के देखेंगे इसके अंदर क्या होता है और इसके अंदर जो पॉइंट होते हैं वो कितने मजबूत होते हैं और कहाँ तक वो कामयाब होते हैं। तो दोस्तों इस रिले का हम पूरा एक एक चीज क्लियर करेंगे, ये रिले कहाँ तक कामयाब है और कहाँ पर हम इनको यूज करना चाहिए या फिर ये किस चीज के लिए हमारे लिए बेस्ट होगी। दोस्तों सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो के अंदर क्लियर एंड कवर करेंगे, बस वीडियो को ही कंप्लीट वॉच करना। फिर दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बात कर रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है वो रिले और इस रिले को मैंने तोड़ फोड़ दिया है, ठीक है। अब मैं इस रिले के आपको यहां पर पॉइंट दिखाता हूं और इसके अंदर ऐसा क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट जो है हमारे कुछ इस प्रकार से इसके अंदर दिए गए हैं दोस्तों। मतलब कि दोस्तों अगर हम बात करें अपने एनो पॉइंट की और फिर एनसी पॉइंट की और फिर कॉमन पॉइंट की दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपको जो कॉमन वाला जो पत्ती यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पर जो कॉमन वाला पत्ती है वो हमारा का पूरा कॉपर में बनाया गया है, मतलब कि वो पूरा का पूरा कॉपर में पत्ती यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस कॉपर वाली पत्ती को ये कहाँ तक मजबूत है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पत्ती है दोस्तों काफी ज्यादा मजबूत यहाँ पर दी गई है दोस्तों, मतलब कि बहुत ज्यादा मजबूत दी गई है। अगर दोस्तों भाई हम बात करें अपने पॉइंट की तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि पॉइंट जो है कितना ज्यादा हमारा आईने की तरह चमक रहा है दोस्तों, मतलब कि बिल्कुल जो हमारे जो पॉइंट दोस्तों वो भी हमारे कॉपर से यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। पॉइंट भी बिल्कुल दोस्तों अगर हम बात करें एनसी और एनओ पॉइंट की तो यहाँ पर पॉइंट हमारे बिल्कुल एकदम क्लियरली बेस्ट हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर यहाँ पर बात करते हैं क्वाइल की जो इसके अंदर जो क्वाइल पाया गया है तो दोस्तों क्वाइल भी यहाँ पर अगर हम देखें इस तरीके से तो क्वाइल भी हमको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों की क्वाइल भी इसमें बहुत एक बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। भाई दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों की ये कितने एम्पियर का रिला है तो दोस्तों ये है 40/30 एम्पियर का और ये कितने वोल्ट से ऑपरेट होगा तो दोस्तों ये भाई हमारा 24 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला रिले है दोस्तों। चलिए दोस्तों और भी इसके ऊपर डिटेल्स में हम जान लेते हैं कि अगर हम जो इसको अगर लगाते हैं अपने स्टेबलाइजर में तो हम कहां पर इसको लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर जैसे कि अगर आप ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर अगर बना रहे हैं दोस्तों तो आप ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में भी इनको यूज कर सकते हैं। अगर हम भाई बात करें दोस्तों हम अपने ऑटोकैड स्टेबलाइजर में तो वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए इसके ऊपर हम और भी जानते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में अगर यूज कर रहे हैं या फिर ऑटोकैड स्टेबलाइजर में यूज कर रहे हैं तो दोस्तों आप जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में अगर आप इसको यूज कर रहे हैं ठीक है तो आप 3 किलोवाट में तक इसको यूज कर सकते हैं। चलिए और बात करते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों अगर हम जैसे कि मानते हैं कि इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों उन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एनो पॉइंट और एनसी पॉइंट और कॉमन पॉइंट तो दोस्तों काफी ज्यादा हैवी क्वालिटी के पॉइंट हमको नजर आ रहे हैं दोस्तों, मतलब कि हैवी क्वालिटी के यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों। अगर हम बात करें और भी चीजों की जैसे कि अगर हमको ये यूज करना हुआ और यूज करने के साथ अगर हमको ये लेना हुआ मतलब कि ये कहाँ मिलेगा तो दोस्तों आप मुझसे बिल्कुल परचेस कर सकते हैं ठीक है। और आपको कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जाकर कॉन्टेक्ट करके आप ये रिले को परचेस कर सकते हैं दोस्तों। अगर भाई बात करें दोस्तों कि खाली ये रिले मिलेगा या इसका पीसीबी मिलेगा तो दोस्तों आपको पीसीबी भी अलग से मिल जाएगा ठीक है। और अगर बात करें रिले की तो रिले भी पीसीबी से ये हो जाएगा कि हम अपनी पीसीबी में रिले को अपने अटैच कर देंगे और हम उस पीसीबी को अपने कहीं पर भी लगा सकते हैं स्टेबलाइजर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो था ये तो पूरा सिस्टम क्लियर किया है कि हमने इसको फोड़ फाड़ के तोड़ फोड़ के यहाँ पर दिखाया है कि ये कैसा था और कैसा दिखता है, पॉइंट इसके कैसे थे, यहाँ पर पूरा रिव्यू किया है कि पॉइंट हमारा कितना मजबूत था, वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी हैं। और भाई बात करें दोस्तों यूजिंग की तो वो भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि कितने हम एम्पियर में यूज कर सकते हैं, कितने किलोवाट के स्टेबलाइजर में यूज कर सकते हैं और ऑटोमेटिक में यूज करें या फिर ऑटो कट में यूज करें तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया है दोस्तों। और यहाँ पर आपका भी एक एक चीज क्लियर हुआ होगा कि आपको भी यहाँ पर पता चला होगा कि हाँ ये रिले हमारे लिए कहाँ तक बेस्ट है और कहाँ तक नहीं बेस्ट है और ये रिले के अंदर क्या होता है, ऐसा क्या सच्चाई होती है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर की है जो कि आपको यहाँ पर पता चला होगा दोस्तों। अच्छे से हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों अगर वीडियो जरा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों अगर कुछ भी अगर ऐसा रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में मैं जोर से बताना। तो भी दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने का ख्याल रखिएगा।